यह एक गांव है बावलिया एमलिया। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विकासखंड गैरतगंज में स्थित है। यह गांव जिला गरीब उन्मूलन परियोजना के अंतर्गत आता है। इसमें परियोजना के द्वारा गरीब महिलाओं के समूह बनवाकर उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है। इसी प्रयास के तहत इस गांव में समूह में जुड़ी हुई एक द्रौपदी बाई जो समूह की सदस्य हैं उनके द्वारा अपनी आय की वृद्धि के लिए पोल्ट्री मुर्गी पालन की एक उपयोजना ली है। वह उपयोजना उन्होंने किस तरह से प्राप्त की एवं उससे दूसरी बहनों को भी जोड़कर किस तरह से अपनी आजीविका में वृद्धि की है, आइए देखते हैं। हम गांव बावलिया एमलिया मेरा नाम द्रौपदी बाई है। मैं आरती स्व सहायता समूह से जुड़ी हूँ। मेरा गांव का नाम बावलिया है। समूह बना लिया तो उससे हमें ये फायदा हो गया कि हम दूसरे के घर नहीं जा रहे, मतलब पैसा मांगने। हमारे घर में जो बचत का पैसा है वो हम समूह से उधार ले लेते हैं और हमारा काम चला लेते हैं। और समूह से जुड़ के फिर हम BDC से जुड़े, तो BDC से जुड़े तो हमें BDC से मतलब और भी ज़्यादा लाभ मिला। मुर्गी का बच्चा पालन कर सकते हो या नहीं, तो हमने बोले कि हमारे आदमी ने मतलब काम करा है जी, तो वो जानते हैं जी काम करने की, तो बोले आप कर सकते हो तो भोपाल में आपकी ट्रेनिंग होगी। तो हमने बोली कि हम कर लेंगे सर ट्रेनिंग। तो हम भोपाल गए तो हमारी 3 रोज़ वहाँ पे ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद फिर हमें वहाँ से चूजे मिले, वो हम ले कर आए वहाँ से। तो हमने 1 महीना घर पे रखे उन्हें, तो घर पे रखे तो जो हमारी सारी महिलाएँ समूह से जुड़ी थी, अलग अलग समूह बने थे सबके, हमारी समूह से नहीं जाने, अलग अलग समूह बने थे, समूह से महिलाएँ जुड़ी थी, वो गरीबी रेखा में जो थी उनके लाने 20-20 बच्चे हमने वितरण उनके लाने किए। ग्रामीण बैकयार्ड पोल्ट्री जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन किया गया है और इस प्रोजेक्ट में जो मदर यूनिट जो व्यक्ति लगाता है उस व्यक्ति को हम 7 दिन का ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हमारे विभागीय स्तर पर हम लोग उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसको उस पोल्ट्री के संबंध में सारी चीज़ें हम उस पर बताते हैं। उस हितग्राही को हम 20,000 रुपये सैंक्शन करते हैं। वो 20,000 रुपये में अपने घर में एक पोल्ट्री का शेड बनाता है जिसमें वो चूजे लगता है। वो चूजे हम पोल्ट्री फार्म जो हमारे गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म से वहाँ से हम चूजे उनको सप्लाई करवाते हैं। ये चूजे वो अपने घर में 28 दिन तक रियर करता है, 28 दिन तक उनको दाना खिलाता है। उसके बाद ये चूजे लेके वो 300 BPL के हितग्राहियों को, जिनको प्रत्येक व्यक्ति को 45 चूजे सप्लाई किए जाने हैं, इस तरह से वो चूजे उनको सप्लाई करता है। और प्रत्येक चूजे की सप्लाई करने पे हमारे विभाग के द्वारा 30 रुपये प्रति चूजे के हिसाब से उसको भुगतान किया जाता है। जो 300 हितग्राही जिनको हम 45 चूजे प्रदाय करते हैं उनको हम 750 रुपये की राशि भी स्वीकृत करते हैं, जिससे अपने घर में वो एक छोटा दड़वा बना लें जिसके अंदर में उन मुर्गियों को वो रख के और उनसे अंडा उत्पादन का काम करें और उससे फ़ायदा कमाएं। मैं बोल रही राम प्यारी भाई बावलिया से, कहा के तो बैठक लगते हैं हर मंगा ले 10-10 रुपये इकट्ठे काटने हैं और हमें कोई ज़रूरत पड़ जाए तो पैसे ले लेते हैं। समिति से हमें खबर मिली कि बच्चे ले पालो तुम्हें फायदा हुई है, तो हमने हाँ अंडा धरेगी मुर्गी, मुर्गा मुर्गी बड़े हो जाए तुम बेच दो, बेच देगी तुम फायदा हो जाए। समिति से हमने बच्चे लाए मुर्गा मुर्गी इनके, हमने पाले पानी धरो अंडा दे सब बेचे, कहा के तो हो गए थे 3,000 रुपया अंडों के बेचे। तो अब जो बच्चा हमने इन्हें खुलाने दाए हैं समूह वाले ने, तो अब उनसे हमें कोई बहुत फ़ायदा दिखा रही है। तो कम से कम हमें 300 आदमी ने 45-45 बच्चा देने हैं, तो पूरा खर्च निकाल के हमें कम से कम 15-16 हज़ार रुपये घर में बच गए। तो पहले हमारे मोड़ा मोड़ी मतलब ऐसे ही कोई मेहनत मजूरी कर रहा, कोई कछु कर रहा, अब ऐसे ही है कि 2 पैसा बच रहे हैं तो घर में खा भी रहे हैं और हमारे मोड़ा मोड़ी घर के सामने एक किराने की दुकान खोल रहे हैं। हमारा नाम सम्मू भी है, हम रहने वाली बावलिया की,
और सपना समूह के सदस्य हैं। ये दुकान लोन लेके समूह से हमने लगाई है। हमारे गांव में जो मुर्गी पालन है उससे अंडे खरीद के हमारी दुकान से और अपन दूसरी जगह बेचते हैं। हम इनसे अंडे से हमें भी फायदा होता है और उन्हें भी फायदा होता है और उन्हें फार्म वालों को पैसे भी अच्छे मिलते हैं। मैं डॉक्टर DS तोमर उप संचालक पशुपालन विभाग रायसेन के पद पर कार्यरत हूँ। ये जो मदर यूनिट में अपन जो चूजे सप्लाई करते हैं, जो BPL के परिवार हैं, महिलाओं के जो समूह जुड़े हैं, उससे महिलाओं को काफ़ी फायदा हुआ है। कम से कम वो 25-30 दिन में जो चूजे रहते हैं उनका 1 से 1.5 किलो तक का वेट गेन करते हैं। वो उससे वो एट ए टाइम कम से कम 700-800 रुपए की अर्निंग कर लेते हैं। मेरा नाम गुड्डी भाई, आरती स्व सहायता समूह की सदस्य हूँ, ग्राम बावलिया के रहने वाले। समूह के द्वारा हमारा बच्चा मिले हैं, अभी तक 30 बच्चा मिल चुके हैं। हमने इनके लाने पाले हैं, बड़े बड़े करे और पालने के बाद अंडा दाए, उन्हें अंडा बेचे हमने 2-1 हज़ार के अंडा बेच चुके हैं। जो जाली है ये 750 रुपया की है, जो मुर्गी पालन कर रहे एक लाने फ्री में मिली है। हमारे कहा पहले के बच्चा भी हैं, ये बड़े बड़े, और अब जो दोबारा से मिले हैं तो जो छोटे हैं अब इन्हें भी पाल रहे हैं, अब जे भी बड़े हुए हैं अब अंडा दे हैं जे भी, तो फिर बेचेंगे इन्हें इनके अंडा भी। अब जो और बाकी माता बहन हैं इनसे ही बोल रहे हैं कि आप लोग भी ले लो, जो समूह में जुड़ जाओ आप लोग भी ले लो तो आप भी पालो। जे योजना बहुत अच्छी है, ये सब माता बहन पालें, इनके लाने लें और सब मतलब पाले पोसे बेचें, बहुत फायदा है इसको। मैं डॉक्टर रितु जैन, सहायक संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं रायसेन में पदस्थ हूँ। ग्रामीण बैकयार्ड योजना महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है। आप इसके द्वारा कुपोषण दूर कर सकते हैं बच्चों का अपना, और साथ ही अपने आर्थिक स्रोत भी बढ़ा सकते हैं। मैं आप सभी महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि आप इस योजना से जुड़ें और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं।